हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से हूँ। और आप लोग की दुआ से, है ना, ईश्वर की कृपा से मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने फिश को अच्छे से धो लिया है और इसके कांटे को भी निकाल दिया। इसका जो बोन होता है लंबा सा, उसको निकाल दिया है कांटे सहित। उसको धोकर भी मैंने रख दिया। अब यहाँ पे डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, तो स्वाद अनुसार आप नमक ले लीजिए। इसके साथ साथ हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो नींबू का रस आप अच्छे से निचोड़ कर इसमें डाल दीजिए, है ना, अच्छे से आप डाल दीजिएगा नींबू का रस। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तो देखिए, हमने केवल तीन ही चीज़ यहाँ पर डाला और यहाँ पर मैं अच्छे से इसे कोट करके मैरिनेशन कर दूंगी। और उसके बाद इसे मैं आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी, फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो आधा घंटा हो चुका है। मैंने यहाँ पर लिए है दो अंडे। तो दो अंडे को लेने के बाद मैंने लिया यहाँ पर ब्रेड क्रम्स। तो मैंने यहाँ पे दो चम्मच ब्रेड क्रम्स लिया है। और यहाँ पे नमक मैंने ऐड नहीं किया। अगर आपको लगता है नमक ऐड करना चाहिए तो आप ऐड कर लीजिए, लेकिन पहले से फिश मैरिनेट में ऐड किया था इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अगर चाहे तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। इसके बाद मैं क्या करूँगी, फ़िश को अच्छे से इसमें कोट कर लूँगी। तो दोनों तरफ से अच्छे से कोट कर लीजिए। और यहाँ पे पैन में पहले से मैंने तेल गरम कर दिया था, तो मैंने फ़िश को इस तरह से यहाँ पर डाल दिया मछली को। अब एक साइड से ब्राउन होने के बाद आपको इसे पलट देना है और दूसरी साइड भी ब्राउन होने तक आपको इसे पकाना है। और उसके बाद उसे भी फिर से पलट देना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है और ये बहुत जल्दी भी पक जाता है। 15 मिनट्स में तो ये पूरी तरह से पक जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हो चुका है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो, कितना बढ़िया ये बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है और अच्छी तरह से पक भी गया था। तो बहुत ही डिलीशियस बना है। अब मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ ये कैसा बना था। तो मैं यहाँ पे छोटा सा हिस्सा कट कर रही, और देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आराम से कट भी रहा है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, अब मैं इसे ट्राई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ट्राई कर रही हूँ। कितना स्वादिष्ट बना है, बहुत स्वाद आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे ज़रूर बनाइए।